उड़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब दो सीट आपको आई थी अपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम काट पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपके आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और उसमें कुर्नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूँ। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ।